खबर चमोली से, गैरसेण के भराड़ी सेण में कल से शुरू होना है शीतकालीन सत्र। गैरसेण सत्र के लिए त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमले से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। शीतकालीन सत्र में 1000 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सवाल पूछेंगे। निकायों के सीमा विस्तार पर सत्र में घमासान होना तय माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा सत्र में हावी रहेगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। तो गैरसेण के भराड़ी सेण में कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। गैरसेण सत्र के लिए त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमले से निपटने की तैयार की है रणनीति। निकायों के सीमा विस्तार पर सत्र में घमासान होगा। भ्रष्टाचार के मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा सत्र में विपक्ष उठाएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी संकल्प पर भी निगाहें होंगी। लोक आयुक्त बिल पर सबकी नजर रहेगी। तबादला एक्ट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी पास होगा। गैरसैंण के भराड़ी सैंण में विधानसभा सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल से विधानसभा का सत्र यहां पर आहूत किया गया है। प्रश्नों की अगर बात की जाए तो 1000 से ज्यादा प्रश्न इस सत्र के दौरान उठाए जाएंगे, चाहे उसमें फिर सत्ताधारी दल के विधायकों की बात की जाए, चाहे फिर विपक्ष के विधायकों की बात की जाए। मुद्दे वो होंगे जो सीधे जनसरोकार से जुड़े होंगे। विधायकों की अगर बात की जाए तो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि अपनी ही सरकार भले ही हो, लेकिन सवाल जवाब जरूर किया जाएगा सत्र के दौरान। 7 तारीख से विधानसभा सत्र आहूत किया गया है भराड़ी सेण में, तो सरकार की भी कोशिश यही होगी कि चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे फिर विपक्ष के, सभी को उनके सवालों का जवाब देकर संतुष्ट किया जाए। 1000 से ज्यादा प्रश्न अब तक लगाए जा चुके हैं विधानसभा सत्र में और अनुपूरक बजट भी इसी सत्र के दौरान पास होना है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि विधानसभा सत्र जब भराड़ी सेण में आयोजित किया जा रहा है तो यहां से वो सब निकलकर सामने आए जिसकी एक जनता मांग करती आ रही है। और जनता जो लगातार सरकार से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि गैरसैंण में काफी कुछ संभव होगा, गैरसैंण को लेकर भी एक सरकार बड़ा फैसला लेगी, तो उम्मीद यही की जाती है कि 7 तारीख से जो विधानसभा सत्र यहाँ पर शुरू होगा उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आएगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, गैरसैंण समाचार प्लस। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अजीत काम्बोज से। अजीत, तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे और विपक्ष की क्या कुछ रणनीति? अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अपूर्व। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने पूरी तैयारी की है सत्र को लेकर। वहीं विपक्ष के भी तेवर कड़े रखे गए हैं गैरसैंण सत्र में। विपक्ष ने ऐलान किया है कि सत्र में वो सब कुछ मांग की जाएगी जो लगातार उनकी डिमांड में रहता है, चाहे वो लोकल विधेयक की बात की जाए, चाहे फिर गैरसैंण को क्या कुछ लेकर सरकार चल रही है गैरसैंण के बारे में, वो कुछ यहाँ पर उम्मीद की जाएगी, चाहे वो शीतकालीन राजधानी का मुद्दा हो चाहे वो ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा हो। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है विपक्ष। और अब देर शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है 5 बजे से भराड़ी सेण में ही, तो उसमें क्या कुछ प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक अनुपूरक बजट है जो पास होने की उम्मीद है कि गैरसैंण जो अभी कैबिनेट होनी है कुछ ही देर बाद उसमें सरकार पास करेगी। इसके अलावा लोकायुक्त बिल की अगर बात की जाए या फिर ट्रांसफर बिल की बात की जाए तो ये भी अहम मुद्दे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। तो विपक्ष लगातार हाजिर होने की कोशिश करेगा। वही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कई ऐसे प्रश्न लगाए हैं जिनका जवाब सरकार से देते नहीं बनेगा, तो इसमें मुमकिन है कि सरकार को पक्ष विपक्ष के विधायक घेरने का काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो काफी हंगामेदार होने के आसार हैं इस सत्र के। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ कई विधेयक रखे जाने हैं। सरकार के अनुसार 7 दिसंबर को शाम 4 बजे अनुपूरक बजट सदन के पटल पर वित्त मंत्री रखेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो अभी तक 8 विधेयक
सरकार के समक्ष पहुंच चुके हैं। हालांकि ठंड की वजह से गैरसैंण सत्र में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, सत्र में किसी भी तरह की खलल नहीं पड़ेगा। 1200-1300 के आसपास हमारे प्रश्न आए हैं, जिसमें अतारंकित प्रश्न भी हैं, अल्पसूचित भी हैं और तारंकित भी हैं। इन सभी प्रश्नों का विधिवत उत्तरालेख वहाँ पर जा सके, इस बात की समीक्षा की गई। और उसके साथ साथ जो विधानसभा सदन के अंदर माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासाएं हैं, उनका ठीक तरीके से समाधान हो सके और उनको प्रमाणिकता के आधार पर उत्तर जा सके, इस बात को सरकार सुनिश्चित करा रही है। आगे बढ़ते, बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है। भराड़ीसैंण में शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट समेत कई दूसरे प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। आबकारी के अलावा शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। राजस्व विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा तमाम प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं प्रदेश के विकास से जुड़े हुए। ब्यूरो चीफ पंकज पवार से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज, शाम को यह कैबिनेट की बैठक होनी है, प्रमुख एजेंडे क्या? बिल्कुल, शाम 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक भराड़ीसैंण में आयोजित होने जा रही है। वहाँ मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बनाया गया है, बकायदा वहाँ पर ये बैठक होने जा रही है। और जो तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ स्टेट प्लेन में बैठ के गौचर रवाना हो गए हैं, उसके बाद सीधा वहां से गैरसैंण के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एजेंडे कई विभागों से जुड़े हुए हैं, आबकारी, इसके अलावा राजस्व विभाग से जुड़े हुए एजेंडे हैं। अनुपूरक पर भी जो कुछ बातें रह गई थी, क्योंकि पिछले कैबिनेट में उस पर चर्चा हुई थी और अब आज मुझे लगता है उस पर पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल 4 बजे अनुपूरक बजट को कैबिनेट सत्र के दौरान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग 13-14 ऐसे एजेंडे हैं जिन पर आज की कैबिनेट में मोहर लगेगी। हालांकि क्योंकि सत्र आहूत है, इसलिए उसकी कोई ब्रीफिंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो काफी लोक लुभावन फैसले करने की कोशिश की जाएगी। गैरसैंण को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है कि भाई वहाँ पे और कुछ जो अवस्थापना निर्माण है उनको लेकर क्या कुछ किया जाना है। तो ये तमाम चीजें गैरसैंण की आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के दूरस्थ गांव गंगी में सवर्ण और अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच एक शादी समारोह में ढोल बजाने को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद 3 दलित परिवारों के 30 सदस्यों ने गांव छोड़ दिया। पुलिस ने दलित परिवारों को घनसाली के विकासखंड में कमरों में शरण दी है। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को सवर्ण के घर में शादी समारोह में दलित परिवार के ढोल बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। दलित परिवार का कहना है कि विवाद के बाद पुलिस के पास गए तो पुलिस भी उन्हें डराने धमकाने लगी, जिसके बाद मामला जिला प्रशासन के सामने आने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम और पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। गए भाई, मैं घर पे नहीं थे, मैं तब बकरी के साथ वहाँ बकरी के साथ थे, मेरे घर वाले थे ऋषिकेश में दवाई खाने के लिए जा रहे थे। मेरे को कोई पता नहीं, लड़का भी नहीं देखा मैंने, बुढ़ी थी ये घर में, वो अब यहाँ थाने में मेरी ला रखी है बुढ़ी को, तो उसने डराया भगाया होगा, पता नहीं क्या मार दिए कि जिंदा है कि मरा, वो है कि मेरे को पता नहीं। सूर्य प्रकाश जमोला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश, जमीनी हकीकत इस मुद्दे की क्या है, किसकी गलती थी और किस पर अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है पुलिस की? पुलिस का भी रवैया इसमें संवेदनहीन नजर आया है, जैसा कि आरोप लगा है। आप देखिए, टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव जो गंगी गांव है, वहां पर 1 दिसंबर को जो श्रवण जाति के एक वहां पे एक शादी समारोह हो रहा था, उसमें एक जो अनुसूचित जाति है उन दोनों के बीच ढोल बजाने के पर विवाद हो गया था, जिसके बाद
काफी विवाद लंबा इतना बढ़ गया कि अनुसूचित जाति के जो 30 परिवार लोग थे उन्होंने गांव को छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने एक तहसील में ही शरण ले ली, जिसके बाद पुलिस में भी उन्होंने तहरीर दी उसके खिलाफ जो श्रवण जाति की थे उनके तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस भी गांव में जाती है और उनके श्रवण के पक्ष में ही जो जाती है उनके पक्ष में वहां पे उनका पक्ष लिया जाता है और उनको डराया धमकाया जाता है अनुसूचित जाति के लोगों को, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी पुलिस एसएसपी और सीओ को निर्देश दिया है कि जो अभियुक्त है जो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ता है, उत्तराखंड में परिवहन सुविधा और सड़क मार्ग को बेहतर बनाने की राह पर ऑल वेदर परियोजना आगे बढ़ रही है। केंद्र की यह महत्वाकांक्षी परियोजना आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती जा रही है। पहले भूमि अधिग्रहण के मामले में और अब मुआवजों के मामलों में एनएच के अधिकारियों का विरोध। वहीं एनएच अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण में 12% प्रतिकर देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। ऑल वेदर परियोजना पर संकट के बादल, मुआवजे को लेकर खड़े हुए नए विवाद, एनएच अथॉरिटी का प्रतिकर देने से इनकार, परियोजना से पर्यावरण पर संकट के आसार। ऑल वेदर रोड की रफ्तार में बड़ी अड़चने खड़ी हो गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि में अतिरिक्त दिए जाने वाले 12% प्रतिकर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार का तर्क है कि अगर सही से मुआवजा नहीं दिया गया तो भूमि अधिग्रहण का काम रुक सकता है। वही उत्तराखंड के लोगों की जमीन भी ली जा रही है और ये आरोप है कि उन्हें सही मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार का वादा है कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लोगों के मुआवजा देते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर जो आंकलन होता है और एडएच की जो टीम है उनको मैं सोचता हूँ कि एक ठोस आंकलन करना चाहिए, जिससे कि जिसकी जमीन जा रही है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसकी पूर्ति हो। देखिए, मुआवजा तो पूरा मिलेगा भूमि स्वामियों को, जिनकी भूमि है उसको जो निहित प्रावधान है उसके अनुरूप मुआवजा मिलेगा। और जहाँ तक नेशनल हाईवे का प्रश्न है या हमारी ऑल वेदर रोड का प्रश्न है, ये 100% केंद्र सहयोग की योजनाएं हैं और उनके आधार पर ही, उसी आधार पर इसकी योजनाओं का निर्माण होता है। दावा है कि ऑल वेदर रोड परियोजना साल 2019 तक परवान चढ़ जाएगी, लेकिन इसके साथ ही विकास बनाम पर्यावरण की चिंता भी जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दुर्लभ प्रजाति के वर्षों पुराने पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी, साथ ही जगह जगह पहाड़ों का सीना भी चीर दिया जाएगा, जिससे जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, वहीं छोटे काश्तकारों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी वो अलग। इस ऑल वेदर रोड पर यात्रा करने वालों को टोल टैक्स भी देना होगा, जो स्थानीय लोगों के लिए कष्टकारी ही साबित होगा। इस परियोजना के बारे में कहा तो ये भी जा रहा है कि इस परियोजना का सामरिक मकसद है और चीन को साधने की तैयारी है, ताकि चीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सालों भर आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। लेकिन उत्तराखंड में चर्चा मुआवजा और पर्यावरण की चिंता तक ही सिमटी हुई है। ठीक है ना, आप ऑल वेदर बनाइए, किसी भी वेदर की रोड बनाइए, पहले तो जो हमारा किसान मजदूर है पहले तो उसका मुआवजा उसको मिले ना। पहाड़ों पे तो लोग जमीन पे ही निर्भर है, आप उनकी रही खुशी जमीन को भी खा जाएंगे और उसका मुआवजा भी उचित दाम पे नहीं दे पाएंगे तो कैसे पहाड़ का किसान रह पाएगा। ऑल वेदर रोड का नाम देना ये अपने में ही थोड़ा विसंगतिपूर्ण है, क्योंकि जो सड़कें उन्हीं का चौड़ीकरण होना है कि ऑलरेडी वहाँ पर बनी हुई नई सड़कें नहीं बननी है, जो सड़कें एग्जिस्टिंग में हैं उन्हीं सड़कों का चौड़ीकरण होना है, कहीं से डाइवर्जन होना है। ऑल वेदर रोड के बहाने एक बार फिर प्रदेश में विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका मिला है, लेकिन इस योजना में जिस तरह से काम हो रहा है उससे कई चिंताएं भी खड़ी हो रही हैं। ऑल वेदर सड़कों का निर्माण भले ही पहाड़ के विकास के लिए हो रहा हो, लेकिन जिनकी जमीन जा रही है उनको समुचित मुआवजा भी मिलना जरूरी है। दूसरी बात, विकास की जो बातें की जा रही हैं उसको देखते हुए पहाड़ में जिस तरीके से विनाश हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है
कहीं ऐसा ना हो दो साल में खामियाजा भुगतना ले उत्तराखंड। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। वहीं नैनीताल के भीमताल के पास कार खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक सलड़ी के पास कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं चमोली से गुजरात चुनाव में गए आईटीबीपी के जवान की संदिग्ध मौत होने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जोशीमठ के सुनील वार्ड के कवाड़ बैंड के संतोष कवाड़ 30 बटालियन जलंधर में तैनात थे और गुजरात में चल रहे चुनाव में गोधरा में तैनात थे। 3 दिसंबर की रात से जवान लापता चल रहा था और 4 दिसंबर की सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर गुजरात पुलिस को जवान का शव मिला। उसके बाद आईटीबीपी को इसकी पूरी सूचना दी गई। विकास नगर में चक्राता वन प्रभाग के सहिया क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब गुलदार ने लोरली गांव में बाड़े में बंधी 7 बकरियों को मार गिराया है। पीड़ित पशुपालक ने वन विभाग से मुआवजे की गुहार लगाई है। गांव के आसपास दिख रहे गुलदार की सक्रियता से लोग भी दहशत में हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी गुलदार अन्य पालतू जानवरों को अपनाने वाला था। भले ही सूबे में विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जिला उत्तरकाशी के कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं तक के लिए त्रस्त रहे हैं। बता दें आपको, पुरोला ब्लॉक के डर सर बडियार गांव में लोगों को 14 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। ऐसे में बीमारी की हालत में बहुत लोग साधन और सड़क के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य गठन के 17 साल भी राज्य के कई जिले मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी तक तरस रहे हैं। सरवड़िया से जनपद का दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पे 7-8 गांव हैं और जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी और दूर संचार कनेक्टिविटी थोड़ा पुअर है, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि जो उनके स्वीकृत प्रस्ताव है, स्वीकृत जो योजनाएं हैं, उनमें तत्काल काम किए जाए। BSNL को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ जहाँ भी जनपद में उनमें दूर संचार सेवाएं सुचारू रखी जाए और जहाँ भी प्रस्ताव नहीं उनके आगमन दिए जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज ही BSNL के साथ एक मीटिंग भी रखी गई है जिसमें कार्रवाई करने के लिए, जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को पैदल आना पड़ता है आपातकालीन स्थितियों में, जहाँ पर रोड है वहाँ तक हम सेवाएं दे पाते हैं, उससे आगे लोगों को कुछ पैदल जाना पड़ता है जिससे लोग परेशान हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, जिसके साथ ही नैनीताल में भी ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। ठंड की वजह से नैनीताल आने वाले पर्यटक ठंड का भरपूर मजा उठा रहे हैं, साथ ही कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और चाय कॉफी का भी सहारा ले रहे हैं। बता दें आपको, दिन के वक्त जहां शहर में धूप रहती है, वहीं सुबह और शाम को तापमान 2 और 3 डिग्री पर लुढ़क जाता है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, खासतौर पर बाहर से आए सैलानियों के लिए नैनीताल की ठंड बर्दाश्त के बाहर है। तो बढ़ गई है, वैसे गर्म के कपड़े तो पूरी मार्केट में भरी हुई है। हर तरह के कपड़े हैं, बच्चे से लेकर बड़ों से लेकर सबके कपड़े हैं। लेडीज में पोंचूज आजकल बहुत नया चला हुआ, पोंचूज बहुत आ रहे हैं, लुधियाना से पोंचू बहुत आ रहे हैं आपके, और ये चाइनीज पोंचूज भी मार्केट में आए हैं, मैंने देखा है लोगों के पास आया हुआ, अच्छे अच्छे फैंसीज आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के, ठंड हो गई है शाम को और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ की। बाकी कपड़े तो वूलन यहाँ के फेमस है आई थिंक सो। सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटक बाजार में निकलकर कॉफी का सहारा ले रहे हैं, तो शाम को नैनीताल की भोटिया मार्केट से गर्म कपड़े खरीद रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। नैनीताल से गौर जोशी, समाचार प्लस।